सज्जनों, आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आदमी को कर्ज से, कर्ज को जिसको बोलते हैं ऋण, जैसे किसी ने कोई किसी का ऋण किसी से ले ले, और कोई में अगर तो कर्ज लेगा तो उसको चुकाना ही पड़ता है। अगर वो नहीं सोचता है कि मथार देता है तो उसको अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा, बचेगा नहीं। ये कटु सत्य है। इसको एक कहानी के माध्यम से मैं सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार की बात, एक गांव में एक सेठ आया, और सेठ आया, उसने कहा जिसको जितने पैसा लेना हो उधारी ले सकता है, लेकिन मैं लिख लूँगा झूठ, लेकिन देने के लिए नहीं उधारी कि आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं, आप दोगे नहीं ना दो, लेकिन आपको मैं लिख बदलूँगा कि मैंने किसको किसको दिया, इसको इतने दिया, इसको इतने दिया। तो ऐलान कर दिया कि मैं जिसको लेना हो पैसा यहाँ से उधारी ले जा सकता है, उसको चुकता नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुरंत सबके नाम नोट कर लूँगा किसको कितने दिया, उसके नाम लिख लूँगा बही खाता। अब एक ब्राह्मण था, उसको बच्ची की अपनी शादी करना था, उसके पास बड़ी परेशानी समस्या थी, तो उसने सोचा जब ले देना नहीं है तो मैं क्यों ना मैं ले लूँ, तो कम से कम 5,000 ले लेता हूँ सेठ से, तो मेरा काम हो जाएगा। उस समय 5,000 बहुत बड़ी बात होती थी शायद गांव के लिए। तो तुरंत उसने 5,000 सेठ से लिया। तो सेठ ने लिख लिया भाई रामलाल जो ब्राह्मण है उसने 5,000 रुपये उनको मनीष तारीख को दिया उधार, ऐसा करके लिख लिया। अब वो लिख लिया, लिखने के बाद वो जब जाने लगा, एक उसका गांव बहुत दूर था जहाँ का रहने वाला था, एक रास्ते में जब रात हो गई तो एक गांव रास्ते में उसको एक गांव मिला जहाँ 10-11 बज गया उसको। तो उसने एक जगह प्रयास किया कि जहाँ उसके रिश्तेदारी थी उसके यहाँ कि मैं आज रुक सकता हूँ क्या, टाइम हो गया, मैं आज रुकना चाहता हूँ। तो बोले भैया भोजन भी करिए, रुकिए भी आराम से। वो वहाँ रुक गया, और वो रुक गया तो वहाँ जो जो था वो घर पटेल, वो बड़े माने हुए पटेल थे बहुत बड़े, और उनके सामने बढ़िया उन्हें भोजन करवाया भी, बढ़िया सोया ऊपर अटारी में जो सो गए, और सामने बैल बंधे हुए थे। तो खाना खाने के बाद जब वो लेटा हुआ था तो बैल बंधे हुए थे, दो बैल जब बंधे हुए थे नीचे, तो दोनों बैल आपस में बातचीत कर रहे थे, और उसने सुना, वो सुन रहा था। वो बैल दोनों बोल रहे थे, एक बैल बोला देखो भाई मेरा मालिक का जो कर्ज है तो वो 50 रुपये रह गया, मेरा मालिक का कर्ज केवल 50 रुपये रह गया है, तो मैं तुरंत जैसे ही सुबह होगा तो कुछ काम करूंगा, मेरे लगाएगा मैं कल जो है ना 10 बजे तक, कल मैं सुबह 6-7 बजे तक ही मैं दुनिया से चल बसूं क्योंकि मेरा कर्जा मालिक को उतर जाए। दूसरा बैल बोला मेरा 100 रुपये का कर्ज बचा है मालिक का, तो क्या होगा, बोले तो जब कल जो है ना 12 बजे 100 रुपये रह गया तो कल एक लेने वाला आएगा, सस्ता बैल ढूंढेगा, 100 रुपये में खरीदेगा इनसे, और इसके बाद जब जा करके जब 100 रुपये में खरीद लेगा, कुछ दूर जब मैं जाऊंगा मैं प्राण त्याग दूंगा। अब वो सब सुनता रहा कि देखो कर्ज ब्राह्मण जी ने 5,000 लिया था कि ये तो इसका मतलब अगले देना पड़ता, इससे तो मुक्ति होती नहीं, मतलब दोनों बैलों की बात सुना तो अगले जन्म में क्या होगा मेरे को देना पड़ेगा। तो इसलिए तुरंत भैया उसने इतना समझदार था कि तुरंत वापस गया जहाँ वो दे रहा था, बोले ये पैसा मुझे नहीं चाहिए अपना ले लो। बोले क्यों भाई तुमको नहीं देना, भाई जमा थोड़ी करना है, वापस थोड़ी तुमको करना, अरे नहीं मुझे नहीं चाहिए, किसी तरह से उन्होंने उसको वापस कर दिया, नहीं दिया। इसलिए सचेत हो जाए कि अगर हम किसी का लिया है तो दे, अन्यथा उसका आगे अगले जन्म तक उसका भुगतान करना पड़ता है, चाहे कोई जैसे बैल बन करके वो बता रहे तो आदमी कोई बैल बन कर किया, कोई कुछ बन कर करता। इसलिए कर्ज से सावधान रहो।